जी मिस्टर रेहान, मेरे कमरे में आइए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मिस्टर रेहान। मेरी कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स पड़ी हुई थी यहाँ पे, अब नहीं है। जी सर, वो बॉस ने मिस्टर करीम को हैंडओवर करने के लिए कहा था। मिस्टर करीम को? जी सर, ये प्रोजेक्ट सब वही हैंडल करेंगे। ठीक है, आप जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? बहुत पर पुर्जे निकाल रही हो तुम। मैं तुम्हें कह रही हूँ, अपना बेड़ा गरक करा लोगी तुम। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? हाँ तो कोई तीर भी नहीं मारा। अल्लाह अल्लाह करके जरा सी हैसियत मिली है तुम्हें इस घर में, और ये सच्चाई और इंसाफ के अलम बरदार बन के भुगतना सब कुछ। पता ना तुम्हारे शोहर गुस्से के कितने तेज है। मैं जानती हूँ उनका गुस्सा शदीद होता है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि हमेशा सच का साथ देते हैं। देखना, जब वो ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि मैंने जो कुछ किया है परनिया के लिए किया है। बाजी, सच बोलने वाला कभी घाटे में नहीं रहता। अपनी खुद की मिसाल देख लो। एक सच की वजह से तुम यहाँ हो। मैंने कौन सा सच? वही जो तुमने गुस्से और इंतकाम में शाजिर के साथ करना चाहा, और फिर एहसास होने पे उसे सब कुछ सच बता दिया। तुम्हारी उसी सच्चाई की वजह से उसने फिर से वही सिखा। कितनी बार मैंने कहा है कि ये बहुत बार बार मत दोहराया करो, किसी ने सुन लिया तो क्या? जब शाजिर को कोई परवाह नहीं है, उसने सब कुछ जानते बूझ से तुम्हें अपने दिल में जगह दी है, तुम्हें कबूल किया है, तो किसी के जानने या ना जानने से क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। और गनीस, तुम मेरी तरफ से ध्यान हटा कर ना अपनी जिंदगी की तरफ अपना ध्यान करो। मुझे हवाओं का रूप आजकल ठीक नहीं लग रहा, तो बेहतर है कि तुम अपनी खैर मनाओ। मेरे जमीर पे कोई बोझ नहीं है। यहाँ आके मैंने इतना कुछ देख लिया है कि किसी भी बात से हैरत नहीं होती, किसी चीज से डर नहीं लगता। अल्लाह जो भी करेगा मेरे हक में बेहतर ही करेगा। ये बेवकूफ सच्चाई की देवी कहीं मेरा राज ही ना उगल दे। शासर जी अपने शोहर के सामने, फिर मेरा क्या बनेगा? कुछ तो हल निकालना होगा बचाव का। जी जी, बहुत शुक्रिया। हाँ तो कहाँ थे फरीन? जरा नंबर 16 चेक कीजिए, इन्वेंट्री नंबर ISSV। डेडी डिसीजन आपका है। हाँ, ये डिसीजन मेरा ही है और मैंने कंपनी के मुफाद को मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन लिया है। देखो शाजर, तुम अभी तक रेडी हो और मैं नहीं चाहता कि अहम प्रोजेक्ट्स की रिस्पांसिबिलिटी तुम पर डाली जाए। इट्स नॉट फेयर। बट दैट्स रॉन्ग डैड। ये मेरा फैसला है शाजर, तुम्हें इस पर एतराज है? मुझे गलत कह रहे हो? डैड, एक छोटी सी गलती जो कि मैंने जानबूझकर नहीं की, उस पर इतना शदीद रिएक्शन। आपने सोचा भी है कि ऑफिस वालों के सामने कितना इंसल्ट फील कर रहा होगा? सब लोग क्या सोच रहे होंगे कि बाप को बेटे पे इतना भी ट्रस्ट नहीं है। बेटे,
लोगों के बारे में सोचोगे ना तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। और जो आप मेरे साथ कर रहे हैं इन सब के बाद तुम आगे बढ़ ही नहीं सकता। सारे उसूल मेरे लिए ही क्यों? कल आपने अपनी बेगम को बहुत जल्द माफ कर दिया और मुझे सजा पे सजा दे रहे। शाजर, ऑफिस के और घर के मामला को कंफ्यूज मत करो। तुम मेरे बेटे जरूर हो पर घर पर, यहां इस ऑफिस में तुम महज एक एम्प्लॉई हो, एक ट्रेनी। पर्सनल मामलों को और तरीकों से और ऑफिस के मामलों को और तरीके से हैंडल किया जाता है। यू आर रॉन्ग अगेन डैड, मैं घर पे भी आपका बेटा नहीं। चले यहां तो एक ट्रेनी हूं, एम्प्लॉई हूं, वहां तो वो भी नहीं। कैसी तबीयत है इसकी अब? बुखार उतरता है फिर चढ़ जाता है। लेकिन डॉक्टर ने तो कहा था कि परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन कमजोरी है। आप नहीं जा, आप इधर ही रहे मेरे पास। बनिया बीबी, हम सब हैं ना आपके पास, वो सारी रात आपके साथ जागती रही हैं, थक गई होंगी, उन्हें आराम करने दें। सारी रात? जी अम्मा बेगम, सारी रात जागती रही हैं बनिया बीबी के साथ। मैंने तो बहुत कहा लेकिन ये गई नहीं। बनिया, मैंने आपके लिए बहुत अच्छा सा सूप बनाया, मैं लेके आती हूँ। सुगत पट्टी लगाओ। मैं इधर से लगा नहीं सकती, दूर है बहुत व्हीलचेयर। बेबी कहाँ क्या मिले बेबी को? जब शाजर को कोई परवाह नहीं है, उसने सब कुछ जानते बुझ से तुम्हें अपने दिल में जगह दी है, तुम्हें कबूल किया है, तो किसी के जानने या ना जानने से क्या फर्क पड़ता है? क्या हुआ? कनीज ने कुछ कहा क्या? कनीज मुझे क्यों कुछ कहेगी? तो फिर क्या हुआ? आज ऑफिस में सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई है, सारे स्टाफ के सामने। डैड ने उन सब लोगों के सामने भी मेरा लिहाज नहीं किया, मतलब वर्कर्स को मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। मैं तो एक एम्प्लॉय बन के रह गया हूं अपने ही ऑफिस में। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम्हारे डैड तुम में और दूसरों में फर्क कर रहे हैं। न जाने मेरा दिल नहीं मानता कि क्योंकि डैड ने मुझे बहुत प्यार दिया हुआ, बहुत ज्यादा। हाँ, तुम्हारी सोच अपनी जगह ठीक है, तुम्हारे डैड ने तुमसे बहुत प्यार किया है और उन्होंने तुम्हारी मॉम से भी बहुत प्यार किया था, मगर अब दूसरी बीवी आ गई है और तुम्हारे डैड का प्यार बट रहा है और आहिस्ता आहिस्ता कनीज भी इस घर में अपने कदम जमा रही है। सोचो, कल को जब उनके अपने बच्चे होंगे तो तुम्हारी क्या अहमियत रह जाएगी?
क्या मतलब है तुम्हारा उनके अपने बच्चे? अपने बच्चे मतलब अपने बच्चे। और अगर पहला बच्चा बेटा हो गया तो तब तो ना तुम्हारी जरूरत रहेगी और ना ही जगह। शाज़र, इससे पहले कि ये लोग हमें धक्के दे के यहाँ से निकालें, हमारे बारे में सोचो। आज तुम्हारी बीवी है, कल को हमारे बच्चे होंगे, तो क्या तब भी तुम अपने बाप पे डिपेंड करोगे? I'm really embarrassed, Safina. मुझे परने से उस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। कभी कभी अपने आप पर घिन आती है। मुझे बाकी परनिया के साथ उस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। आखिर वो एक बच्ची है। माना कि उससे गलती हुई थी, पर मैं उसे प्यार से भी तो समझा सकता था। मैं अपनी गलती का एहसास हो गया ना, अब तुम्हें यह एहसास भी हो जाएगा कि उसने कोई गलती नहीं की। ऐसी बात नहीं है सफीना। आखिर हम अपने बच्चों से तो ये तवक्कोआत रख ही सकते हैं कि वो हमारे फीलिंग्स के बारे में जरा सी सेंसिटिविटी दिखाए। और वो दिन तो देखो, औलाद से एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, लेकिन वो जो नॉर्मल हो और नेचुरल हो। और शामिर, तुम ऊपर से जितने ही बेनियाज बनो, मैं जानती हूँ कि तुम पन्निया से कितनी मोहब्बत करते हो। बस मुझे समझ में ये नहीं आया कि इन 12 सालों में तुमने उससे ये मोहब्बत जताई क्यों। जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे श्री की याद आती है। यह एहसास होता है कि वो इस दुनिया में आते आते मेरी और फिर पता नहीं क्यों एक अजीब सा एहसास से जुर्म भी महसूस करता हूं कि अगर परनिया को मैं बहुत ज्यादा लाड प्यार दे दूं तो श्री को गिला हो, जैसे मैं उसे भूल गया हूं। ये सब जज्बातियत है। कोई भी माँ अपनी औलाद से हसद कर ही नहीं सकती, बल्कि उसके लिए तो ये खूबसूरत मंजर होता है कि उसकी औलाद अपने बाप से मोहब्बत ले। तुम्हें एहसास हो गया था ना कि तुम पन्निया से कितनी मोहब्बत करते हो, जब वो स्टोर से बेहोश बरामद हुई थी। वाकई सफीना, उसे उस दिन उस हाल में देख के मेरे दिल के तो टुकड़े ही हो गए। शामिल, किसी और की मोहब्बत भी है जो तुम्हारे दिल में अपना वजूद मनवाना चाहती है। पता नहीं तुम कब मानोगे। हेलो। मैं क्या करूं, मेरा तो सारा वार उल्टा पड़ गया है। ये तो होने ही था खाला जान, ये चालें चलना आपकी बस की बात नहीं। अब देखे ना, पहली बार आपने चाल चली और वो भी उल्टी पड़ गई। मुझे जल्दी सब कुछ करना पड़ेगा, वरना एक बार अगर कनीज ने अच्छी तरह यहाँ इस घर में अपने पांव जमा लिए ना, तो मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं रहेगी। मेरी वजह से जो बात बिगड़ी है, अब उसे सुलझाने का वक्त आ गया है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अच्छा शमशान, फिर बात करेंगे, हैं? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुगरा, सुहरा, सुहरा। जी अम्मा बेगम, आपको कुछ चाहिए क्या? वो मैं सुहरा को बुला रही थी, तुम्हें नहीं। वो तो किसी काम से बाहर गई हैं। कोई काम है तो मुझे बताएं। नहीं, मुझे बस गुसलखाने जाना था, तो
तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो मैं आपको ले चलती हूँ। तुम नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अमा बेगम, इसमें अच्छा ना लगने वाली क्या बात है? आपने भी तो मेरे लिए इतना कुछ किया है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर आपने तो मेरा मान बढ़ा दिया। मैं तो मामूली सी लड़की हूँ, आपने बिन माँ बाप की बच्चे के सर पे हाथ रखा है। इस सब के आगे ये काम तो कुछ भी नहीं है। और वैसे भी आप बिल्कुल मेरी अम्मा की तरह हैं। आपका काम करने मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। मैं आपको ले चलती हूँ। आए, मैं आपको ले चलती हूँ। अपर्णा की तबीयत कैसी है? बेहतर है। बुखार था लेकिन अल्लाह का शुक्र है उतर गया है। ये अचानक दोबारा मुझसे डरने क्यों लगी हो? कल रात को तो बड़ी दलेरी दिखा रही थी, आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी, बुलंद आवाज निकाल रही थी। जी हो, मुझे माफ कर दे। यानी कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए माफी मांग रही हो। मैं आपसे बुलंद आवाज में बोलने पे, गुस्ताखी और बदतमीजी पे माफी मांग रही हूँ। फिर भी मुझे हैरत है कि तुम में इतनी दलेरी कैसे आ गई थी। जब तुम मेरे सामने आती थी तो ठंडे पसीने आ जाते थे, तुम्हारे हाथ कांपने लगते थे, मुंह से कुछ नहीं निकलता था। यहां तक कि एक बार मुझे एहसास से जुर्म हुआ कि शायद तुम्हारे खौफ का बायस मैं ही हूं। आपने कभी किसी चिड़िया को एक बांस पे झपटते देखा? मैंने देखा है, छोटी सी कमजोर सी चिड़िया, लेकिन अगर किसी बाज ने उस चिड़िया के घोंसले से उसके बच्चों को उठाना चाहा तो वो अपनी पूरी ताकत से उस पर झपटी। वो अपनी कमजोरी, अपनी औकात जानती थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं भी परनिया की मां बन गई थी। किसी को औलाद कह के अपनी तो नहीं हो जाती, तुम परनिया की मां कैसे बन सकती हो? मामा, हाँ चली जाती हूँ मामा, इधर ही रह गए, कहीं नहीं जाया करें। मैं अपनी छोटी सी परी अपनी बनिया के पास ही हूँ, कहीं नहीं जा रही। चलो शाबाश, सो जाओ। मैं बहुत शर्मिंदा हूं श्री, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तुम्हारी बेटी
तुम्हारा दर्जा किसी गैर को दे रही है, और अगर मैं उस लड़की को इस घर में नहीं लाता तो ऐसा हरगिज नहीं होता। और तुम तो जानती हो श्री, ये मेरी मजबूरी थी। अब क्यों ना सारी दुनिया उसे तस्लीम करे, पर मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दूंगा श्री, कभी नहीं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अम्मा बेगम आपकी दवा। शुक्रिया। आज के बाद परनिया के कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। शामिल, तुम जानते हो कि कनीज ही परनिया का ख्याल रखती है, अगर ये नहीं रखेगी तो क्या हो गया आपको? अम्मा जी, हमारे घर में कितने मुलाजिम हैं, क्या हम उन्हें तनख्वाह नहीं देते? और अगर देते तो किस लिए देते? ताकि वो हमारा ख्याल रख सके, हमारी देखभाल कर सके। और परनिया की देखभाल आपसे बेहतर कौन कर सकता है? हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम है तो साफ साफ बता दीजिए, मैं दफ्तर के सारे काम छोड़कर घर आ जाऊंगा और परनिया की देखभाल खुद कर लूंगा। लेकिन परनिया का ख्याल रखने में मुझसे कोई कोताही हुई है क्या? तो आप मुझसे हक ले रहे, आगे से मैं उसका ज्यादा ख्याल रखूंगी। मेरी तो समझ में नहीं आता शामिर, परनिया बहुत अटैच्ड है कनीज से, वो दवा भी इसी के हाथ से लेती है। अम्मा जी, मैं यही तो नहीं चाह रहा कि खामा खाम किसी गैर औरत के साथ ज्यादा अटैच हो जाए। आज है कल नहीं है, हू नोज। गैर औरत? माँ मानती है मुझे। उसके मानने से क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम उसकी माँ बन सकती हो? तुम तो उसकी सौतेली माँ भी कहलाने के लायक नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बीवी का दर्जा दिया ही नहीं। एक चीज समझ लो लड़की, तुम उसकी कुछ नहीं लगती। कम से कम आप ऐसी बात ना करें, आपसे बेहतर भला कौन जान सकता है कि प्यार सगे सौतेले का मोहताज नहीं होता। शाजा भी तो आपका सौतेला बेटा है। लेकिन देखिए आप उसे कितनी मोहब्बत करते हैं। डैड, आज आपके सामने जता ही दिया गया कि मैं आपका सौतेला बेटा हूं। शाजर, शाजर, सर, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। नहीं, तुम नहीं समझ सकती। तुम मेरी इस तकलीफ को महसूस नहीं कर सकती। तुम खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगा हो, बिल्कुल अजनबी। ना ये घर मेरा है, ना यहाँ के रहने वाले लोग, बिल्कुल तनाव हो गया हूं। तक भरम में जी रहा था, लेकिन मुझे अब पता चला है कि मेरी माँ के बाद मेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए थे, सारे। ऐसा ना कहो शाजर, मैं हूं तुम्हारे साथ जिंदगी भर के लिए। मियां बीवी से ज्यादा कौन किसी का वफादार साथी होता है? शादी के बाद सब रिश्तेदार बदल जाते हैं। मुझे ही देख लो, मेरी सगी बहन ने मेरे साथ क्या किया है। तुम्हारा बाप तो फिर सौतेला था। तुम ठीक कहती थी, इससे पहले कि ये लोग हमें धक्के मार के बेइज्जत करके निकालें, हमें खुद ही यहां से चले जाना चाहिए। मगर कहाँ शाजर, कहाँ रहेंगे हम?
ये सोचा है तुमने? क्या करेंगे? ये बाद में देखेंगे। नहीं शाहजर, ये सब कुछ हमें पहले से तय करना है। मैंने एक बार नानी अम्मा को किसी से कहते सुना था कि जब तुम्हारी मॉम ने शादी की थी डैड से, तो अपना बहुत सा सरमाया और प्रॉपर्टी उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी थी। हाँ, मैं जानता हूँ। बहुत प्यार करती थी मॉम इनसे। इसका मतलब है वो इस बिजनेस के अकेले मालिक नहीं हैं। वो तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर नहीं फेंक सकते। तुम उनके वारिस नहीं हो, मगर अपनी माँ के वारिस तो हो ना। हिसाब लो उनसे, उनसे अपना हक मांगो, इससे पहले कि शाजर बहुत देर हो जाए। चलो पनिया बेबी, अब दवा खा लो। मुझे नहीं खानी, मामा को बुलाओ, मुझे उन्हीं के हाथ से खानी है। बेबी जिद नहीं करते, मामा सो चुकी हैं। अच्छे बच्चों की तरह मेरे हाथ से दवा खा लो। नहीं मामा, मुझे दवा खिलाए बगैर सो ही नहीं सकती, आप उनको बुला के लाएं। बेटा ऐसे नहीं करते, चलो मेरी जान, शाबाश दवा खा लो, वरना तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। लेकिन अम्मा बेगम, दवा खिलाने का कोई फायदा भी नहीं है। रात को इन्होंने खाना नहीं खाया है, और खाली पेट में दवा खाने का कोई गलत असर ही ना हो जाए। मामा को बुलाओ, मुझे उनसे दवा खानी है। मामा, मामा! किसी को औलाद कह के अपनी तो नहीं हो जाती, तुम पन्निया की माँ कैसे बन सकती हो? मामा, चली जाती हूँ मामा, इधर ही रह गए, कहीं नहीं जाया करें। शायद मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना, बिला जरूरत इस कमरे में नहीं आया करो। जरूरत ही खींच के लाई है। मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, आज मांग रही हूं। मुझे पन्निया के पास जाने दें, भूखी है वो, बीमार है, मेरे अलावा और किसी के हाथ से नहीं खाएगी। तो बच्ची है, जिद कर रही है, आप ही जिद छोड़ दें, मुझे पन्निया के पास जाने दें। मैं जो कर रहा हूं ना, उसकी बेहतरी के लिए ही कर रहा हूं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। मैं उससे दूर हो जाऊंगी, आप कहेंगे तो मैं गांव वापस चली जाऊंगी, लेकिन अभी मुझे पन्निया के पास जाने दे, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ, जैसे वो ठीक होगी मैं खुद ब खुद उससे दूर हो जाऊंगी। बहुत अच्छा किया तुमने जो ऐसे जवाब दे के आए हो।
मुझे न जाने क्यों बुरा लग रहा है कि उन्हें ऐसे सबके सामने जवाब नहीं देना चाहिए था। शाजर, तुमने कुछ गलत नहीं किया। जब तुम्हारे डैड ने दफ्तर में सबके सामने तुम्हें जलील किया, उन्होंने जब कुछ नहीं सोचा तो तुम क्यों इतना सोच रहे हो? जो किया बिल्कुल ठीक। अब मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। मैं जानता हूँ मुझसे यही कहने आई है, मुझे डैड से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, मैं तो ये जानने आई हूँ कि ये सब बातें तुम्हें सिखा कौन रहा है। कोई नहीं, बल्कि मैंने तो एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? वक्त आने पे सबको पता चल जाएगा। थोड़ा सा रह गया। मजे का है ना? चलिए भाई, वेरी गुड। ही कहती हो ना तुम? अब जल्दी से दवाई खाओ और टाइम से सो जाओ, हैं? लेकिन आप पहले बताएं, मुझे कहीं छोड़ के तो नहीं जाएंगी ना? नहीं, प्रॉमिस? पक्का वादा? दवाई खाओ, फिर तुम्हें एक अच्छी सी पोएम सुनाती हूँ, ठीक है? जो चलो भाई, आज मैं तुम्हें एक अच्छी सी पोएम सुनाती हूँ जो मेरे अब्बा सुनाया करते थे मुझे, ठीक है? नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डिब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डिब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अच्छा किया तुमने रात को कनीज को इजाजत दे दी कि वो परनिया के पास जाए। अम्मा जी, वो तो मेरी मजबूरी थी, मेरी नरमी ना समझा जाए। मजबूरी तो इंसान को बहुत कुछ करवाती है, और फिर औलाद तो मजबूरी नहीं होती बल्कि सबसे बड़ी आजमाइश होती है, जिसके लिए बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। अरे, तुम अभी तक ऑफिस के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? सॉरी, मैं आज से आपके साथ ऑफिस नहीं जाऊंगा। नाराज हो? शाजर, चलो मेरे साथ। मैंने तुम्हारी नाराजगी और तुम्हारी शिकायतों को दूर करने का रास्ता ढूंढ लिया है। मैंने भी एक रास्ता ढूंढ लिया इन सब मुश्किलों से बाहर निकलने का, वही बताने आया हूं आपको। कैसा रास्ता?
मुझे प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहिए। रिश्ता है बरसों का, ये है जी।